हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। देखिए, हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया अभी हाल ही में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी डाइपोल की वजह से, एक्जियल लाइन पे, इक्विटोरियल पे टॉर्क निकाला था डाइपोल की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी डाइपोल की वजह से। अब बारी आती है पोटेंशियल, थर्ड चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब ड्यू टू डाइपोल एक्जियल लाइन पे भी निकालेंगे, इक्विटोरियल पे भी होगा, फिर एट एनी जर्नल पॉइंट पे भी हम निकालेंगे, तो स्टेप वाइज हम करेंगे इसको। तो आज के वीडियो में मैं पहले आपको करवाता हूँ एक्जियल लाइन के ऊपर डाइपोल की वजह से कितनी पोटेंशियल हम निकालेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने निकाली थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, एक चार्ज की वजह से कितनी पोटेंशियल लगती है। तो देखिए, आपको इतना कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं कि डाइपोल क्या होता है। बच्चों, डाइपोल क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है, दोनों का चार्ज सेम। एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज अगर कुछ डिस्टेंस पे रख दिए जाएं, दैट इज डाइपोल। ये देखिए, ये नेगेटिव और एक पॉजिटिव, माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2a, इतना हम कर चुके थे। डाइपोल यही होता है, डाइपोल का जो सेंटर होता है O, जिसकी वजह से ये 2A, A और A डिस्टेंस में टूट जाते हैं, ठीक है। अब हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो कहां पे रखा हुआ है, इसके एक्सिस के ऊपर, यहां पे रखा हुआ है P पॉइंट। एक्सियल लाइन वही होती है जो एक्सिस के ऊपर पॉइंट रखती है, P पॉइंट, क्लियर। अब आपको मालूम है कि सेंटर से इसका डिस्टेंस हमेशा हम क्या लेते हुए आए हैं, आर। तो मुझे बताओ कि पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना हो गया। देखो, ये पूरा कितना है, r, अगर इसमें से a घटा दूं तो ये आ जाएगा, दैट इज r माइनस a। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है r और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है a, एंड दैट इज द r प्लस a। ये आप कर चुके हो पहले, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे कि हमने कल क्या किया था, थोड़ा सा रिमेंबर करना कि हमने कल एक पॉइंट चार्ज लिया था और एक पी पॉइंट लिया था, इसने इसके ऊपर पोटेंशियल निकालनी थी कल, और वो कितनी आई थी, 1/4πε0qr। ये हम कल निकाल चुके हैं, ठीक है, डीपी हमने स्टडी की थी। लेकिन यहां पर एक चार्ज नहीं है, यहां पे दो दो चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाला हूं। तो देखिए जरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। चलिए, कितनी होती है प्लस क्यू चार्ज की वजह से, कितनी होती है एक चार्ज की वजह से, 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस आर के, आर यहां पे डिस्टेंस कितना था बच्चों, आर था। अब देखिए, प्लस क्यू चार्ज ये यहां से पॉइंट की दूरी कितनी है, आर माइनस A, that is first equation. Similarly, हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब आपको यह तो मालूम है, जब मैंने पोटेंशियल करवाया था, कि ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल विल बी नेगेटिव एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव आई, नेगेटिव चार्ज है तो कितनी आ जाएगी, 1/4πε0 माइनस क्यू, ये लगाना ना भूले, अपॉन डिस्टेंस कितना है, नेगेटिव से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है बच्चों, आर प्लस ए। बहुत ही सिंपल काम हो रहा है, ये तो पोटेंशियल आ गई दोनों पॉइंट पर। अब क्या करना है, नेट पोटेंशियल निकालनी है। नेट पोटेंशियल के लिए हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल रिजल्ट आपके पास होगा। तो देखिए किस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे आप सीधा एक्सियल लिखिए क्योंकि एक्सियल का टॉपिक चल रहा है, दैट इज v1 प्लस v2, ये v1 है, ये v2 है, ऐड कर दीजिए। जैसे ही मैं ऐड करता हूं, मैं डायरेक्ट कॉमन बाहर निकाल लेता हूं, ये तो कॉमन कैलकुलेशन है, आपको मालूम होनी चाहिए इन दोनों में से कॉमन क्या क्या आ रहा है, दैट इज q अपॉन 4πε0, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन R माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए। अब आप कहोगे यहाँ तो प्लस है या माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ माइनस है,
ठीक है, इसका कुछ नहीं करना, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम में लेता हूं a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एलसीएम आपको लेना आता है, इतना बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज आर प्लस ए माइनस, और इसको जब मैं यहाँ रखूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, दैट इज दिस आर से आर कैंसिल आउट, ए और ए 2a एंड 2a इनटू q क्या होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू, ये क्या बन जाएगा 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर, क्लियर हो रहा है सब कुछ? पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाली, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाली, दोनों को ऐड कर दिया, इसकी जस्ट कैलकुलेशन की जा रही है विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो यहां से q इनटू 2a, ये अब बात आ गई q इनटू 2a क्या होता है बच्चों, ये a है और आपको मालूम है डाइपोल यही होता है, करवा चुका हूं पहले, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आपका हो गया, आंसर आ गया? नहीं, आंसर नहीं आया। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि जब मैंने एक्सियल करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमारा जब एलसीएम लेने के बाद में रिजल्ट आ गया था, हमने एक स्पेशल केस लगाया था, व्हाट इज द स्पेशल केस हियर, देखिए वो स्पेशल केस क्या होगा यहाँ पे कि वी एक्सियल यहाँ पे क्या होगा, आपको मालूम है कि डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इट्स वेरी 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 स्मॉल, और इस पॉइंट को तो मैं कितनी भी दूर ले जा सकता हूँ, और इस पॉइंट की दूरी सेंटर से कितनी है r, तो r इज मच ग्रेटर देन a, तो यही मेरा स्पेशल केस है, आज r इज मच ग्रेटर देन a, तो यहां पर क्या हो जाएगा a नेगलेक्ट हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट हमारे पास बचेगा, दैट इज 1 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। यहां से भी साफ तौर पे नजर आ रहा है ये रिजल्ट हमारा पहला, ठीक है, ये रिजल्ट है मेन तो, और आपको मालूम है कि ग्राफ कैसा बनता है, इनवर्सली ग्राफ कैसा बनता है कि जब जब मैं पॉइंट को जितनी दूर लेके जाऊंगा पोटेंशियल उतना ही कम होता चला जाएगा, ये कल भी हम कर चुके थे, ठीक है, बहुत सिंपल है। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना डाइपोल की वजह से बहुत सिंपल है, कल हमने सिंगल पॉइंट चार्ज निकाला, आज हमने डाइपोल की वजह से निकाल दिया, बहुत सिंपल, ठीक है, दोनों की पोटेंशियल अलग अलग निकालना, दोनों को ऐड कर देना विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, उसको सोल्व करते जाना और लास्ट में एक स्पेशल केस लगाते हुए उसको फिनिश कर देना, ठीक है। अब हम करते हैं इसका इक्विटोरियल पॉइंट पर, तो इक्विटोरियल पॉइंट पर किस तरीके से हम करेंगे जरा देखिए, इक्विटोरियल पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की है, आज हम करेंगे पोटेंशियल फाइंड आउट। तो सबसे पहली बात तो है इक्विटोरियल होती क्या है, इक्विटोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे ये डाइपोल है हमारा, चलो मैं सीधा डायग्राम ही बता देता हूं, एक डाइपोल लेना है माइनस क्यू प्लस क्यू डिस्टेंस टू ए, एक्सियल लाइन वो होती है जो उनके एक्सिस में गुजरे, इक्विटोरियल वो होती है जो डाइपोल के डाइपोल के सेंटर से गुजरे, ये डाइपोल के सेंटर से जो लाइन गुजरती है और इस लाइन के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट में रखता हूं, दैट इज द इक्विटोरियल पॉइंट, उसी को बोलते हैं इक्विटोरियल पॉइंट, ठीक है। पूरा डिस्टेंस 2a होता है डाइपोल का, तो a और a में टूट गया, और आपको मालूम है सेंटर से पॉइंट की दूरी हमेशा हम क्या लेते हैं, r लेते हैं, तो इस डायपोल की वजह से इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेते हैं, चलो बेस A है, परपेंडिकुलर R है हमारा यहां पे, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये कितना हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। सिमिलरली इधर देखिए, ये ए है ये r है, तो ये कितना हो जाएगा, वही a स्क्वायर प्लस ये, पाइथागोरस लगा के मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। अब हम डेरिवेशन करते हैं, सिंपल सी वही बात है, नेगेटिव चार्ज p पॉइंट पर पोटेंशियल लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज p पॉइंट पर पोटेंशियल लगाएगा, तो नेट पोटेंशियल करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको ऐड कर देते हैं, तो वही काम इसमें करना है जो एक्सियल में किया था। तो सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, फिर से मैं बता रहा हूं,
ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। तो V प्लस Q की वजह से कितनी आ जाएगी, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन डिस्टेंस। प्लस Q का यहां से डिस्टेंस कितना है, दैट इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, आ गया हमारा रिजल्ट। एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज 1/4 नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी नेगेटिव होगी अपॉन डिस्टेंस। नेगेटिव चार्ज का पी पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेकंड। तो आपको मालूम है कि वी इक्विटोरियल कितना हो जाएगा, जब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो याद रखना, डाइपोल से अगर कोई भी पॉइंट बराबर दूरी पे रखा हुआ है, इक्विटोरियल इक्विडिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो वहां पर पोटेंशियल जीरो होगी। ठीक है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगी। वहां पे कुछ अलग थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला, यहां पर तो बिल्कुल जीरो ही बन गई क्योंकि दोनों के दोनों पोटेंशियल बराबर है, और बराबर किस वजह से है, क्योंकि उनका डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो ये याद रखना, इस टॉपिक में हमने करवाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना इक्विटोरियल पे। इक्विटोरियल का रिजल्ट हमारा जीरो आता है। ये वन मार्क्स में भी याद रखना हमेशा कि एट इक्विटोरियल अगर कोई भी पॉइंट डाइपोल से बराबर दूरी पे आपको दिखाई दे तो वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, आई होप बहुत ही ईजी ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स थे, क्लियर हो गए होंगे क्योंकि सारा पीछे का यूज हुआ है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।